में हाथ लगाता हूँ शायद ये पैर अंदर जाएंगे, ये देखिए, और इसको घुमाने का ऐसे। ऐसे 10 टैंक लगा के आप लाखों रुपए कमा सकते हो। ये यहाँ पे मोती बन चुके हैं, एक साल बाद इसको फाइन फिनिश किया जाएगा। वो कट करने के बाद उसको अंदर डाल दिया, इंसर्ट करने का अंदर। मेरे हाथ में यहाँ पे देखिए मोती है, और दोस्तों ये असली वाला मोती है। मोती का इस्तेमाल जो है गहनों में, ज्वेलरी में, इसकी मालाएं बनती है और बहुत महंगा रहता है दोस्तों। ये 700-800 रुपए का एक मोती है यहाँ पे, ये देख सकते हैं कितना फाइन फिनिश और बढ़िया है। तो आज हम जानने वाले हैं कि पर्ल फार्मिंग यानी कि मोती की खेती कैसे होती है। हम आज महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट में अंधड़ी गाँव में हैं, और यहाँ पर देखिए दो टैंक है दोस्तों। ये जो है 4 डायमीटर यानी कि 13x13 का टैंक है, और इस टैंक से आप 3-4 लाख रुपए सालाना कैसे कमा सकते हैं ये भी हम देखने वाले। एक टैंक से ऐसे 10 टैंक लगा के आप लाखों रुपए कमा सकते हो, और इसमें भी अभी मोती लगाए गए हैं, कुछ निकाले गए हैं, तो वह डिटेल में हम जानकारी लेने वाले। आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना फ्री है, और ऐसे अतरंगी और नए नए वीडियो खाली इंडियन फार्मर पे आते हैं तो बेल आइकॉन जरूर दबाइए, नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगा। तो आज हमारे साथ यहाँ पे मयूर जी है। नमस्कार सर। नमस्कार। और सबसे पहले तो आपके बारे में परिचय दे दीजिए डिटेल में। नमस्कार, मेरा नाम मयूर जगदाय है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने 4-5 साल जॉब भी किया था, बाद में अभी जॉब भी है, और बाद में उसके साथ साथ पर्ल फार्मिंग भी कर रहा हूँ। एम ए 2 साल से कर रहा हूँ पर्ल फार्मिंग। कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा भी मिल जाता है, और इसमें हार्ड वर्क भी नहीं होता, कोई भी इजीली कर लगता है। मतलब हमारे फार्मर्स जो है वो खेती करते करते ये चीज आराम से कर सकते हैं। खेती के साथ ये भी चीज आराम से कर सकते हैं, और बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इजीली कर सकते हैं, और घर की महिला है वो भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे हम खेती के साथ साथ खेती पूरक व्यवसाय करते हैं, उसी के साथ साथ हमें खेती में नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे ही मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक इस्तेमाल करता हूँ जिसका नाम है प्लांटिक्स। प्लांटिक्स में बहुत सारे अलग अलग फीचर है, जैसे कि हेल्थ चेक फीचर, आप उससे जो है डिजीज पहचान सकते हैं, उसके ऊपर उपाय कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर है, जैसे कि दुकान है वहाँ पर दवाइयाँ देख सकते हैं, कम्युनिटी है और किसान भाइयों से बातचीत कर सकते हैं, वेदर है, उसके बाद कृषि सुझाव है, कृषि सुझाव में आप फसल लगाने से लेकर निकालने तक स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मिल जाती है। होलसम अगर देखा जाए तो ये ऐप जो है खेती में आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत सारी हेल्प कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आज मेरा मेगा हार्वेस्टिंग चल रहा है, तो पर्सनली मुझे प्लांटिक्स ऐप की काफ़ी हेल्प हुई है। तो दोस्तों ये ऐप बिल्कुल फ्री है, बहुत सारे भाषाएं में भी है, आप पक्का इसको डाउनलोड कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिए, और आपको कैसे लगा इस्तेमाल करने के बाद ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला चीज़ तो मेरा ये सवाल है कि मोती पालन क्या होता है। जैसे कि आपने ये बहुत सारे शिप लाए, मैंने समंदर में देखे, नदी में देखे हैं ये चीज़, तो मोती पालन क्या होता है ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में डिस्क्राइब करूं। ये सेल होते हैं, सिंपला होता है। अच्छा, सिंपला के हमें जो लाने के बाद इसकी सर्जरी करनी पड़ती है हमें। अच्छा, इसके सर्जरी करने के बाद एक साल के बाद हमें इसमें से मोती क्रिएट होता है, उसमें के बाद उससे बाद हमें मोती मिल जाता है एक साल के बाद। और ये किस चीज का सेटअप है यहाँ पे इस साइड में थोड़ा सा? जिसके पास जगह नहीं होती, मान लो जो सिटी में, पुणे में है, बॉम्बे में है, जिधर सिटी हो, लेकिन उसको करना है वो सेटअप, इसके लिए मैंने वर्टिकल पर्ल फार्मिंग किया है। ये मेरा महाराष्ट्र का हमारा सबसे पहला मेरा सेटअप है, मैंने इसका इन्वेंशन किया है। क्या बात कर रहे हो, फार्मिंग बहुत बढ़िया। जितना पानी का क्षमता कम होता है उसकी उनकी ज्यादा केयर करनी पड़ती है। ओ बराबर है। क्यों केयर करनी पड़ती है? उसमें जब पानी हम क्या करते हैं 15 दिन के बाद उसमें से पानी चेंज करते हैं। 20% मतलब नीचे से आउटलेट पानी निकालते हैं। नीचे से निकालते, खाली निकाल देते, वॉल ऑन करके पानी छोड़ देते 20% और फ्रेश पानी भर देते। ऐसा क्यों करते हैं? जिस पानी का धरती से कनेक्ट नहीं होता उस पानी में अमोनिया क्रिएट होता है। राइट, ये बात तो सही कही है। जब अमोनिया क्रिएट होता है तो अमोनिया क्रिएट होने के बाद जो सेल है या मछली है वो दोनों डेड हो जाती है। राइट, इसलिए हम अमोनिया उसमें क्रिएट ही नहीं होने देते। तो पहले हम ये आप हमें ये बताइए कि ये मोती पालन कौन कौन कर सकता है? ये मोती पालन मतलब किसान भाई लोग भी कर सकते हैं, और दूसरा जो बंदे लोग जिसके पास कोई काम वगैरह नहीं है वो भी कर सकते हैं, और घर की महिलाएं वो भी कर सकते हैं। और एटमॉस्फेयर कैसा चाहिए इसके लिए? इसके एटमॉस्फेयर का कोई चिंता नहीं, टेम्परेचर हमें 35 तक चल जाता है इसका। और भारत देश में कहाँ पे कर सकते हैं? भारत देश में सभी जगह पे कर सकते हैं, ऐसा कोई चीज नहीं कि जहाँ हम कर नहीं सकते, सभी जगह पे मोती पालन की खेती हो सकती है। अब हमें ये बताइए कि इसका
सिस्टम क्या है, जैसे बायोफ्लॉक होता है उस टाइप का आपने टैंक बनाया, तो ये टैंक क्यों बनाया यहाँ पे, क्या है? ये इजराइल का सेटअप है बायोफ्लॉक का। इसमें हम पानी रखते, मतलब मान लो किधर शिफ्ट करना है भविष्य में, राइट, तो हम इसे शिफ्ट भी कर सकते हैं। हाँ। जैसे कि मान लो इसको लगाने के लिए मुनाफा कितना आता है, 30,000 आ जाता है इसको लगाने के लिए, और जो कॉन्क्रीट का बना है तब भी चलेगा, लेकिन उसका खर्चा बढ़ जाएगा, लागत बहुत बढ़ जाएगा। कोई मोती पालन कर रहा है तो उसके लिए ये सेटअप बनाना जरूरी है, ये गोल वाला। हाँ, ये भी जिसके पास जगह है, मतलब मान लो 15x15 की जगह होती है उसके पास, तो ये बायोफ्लॉक का लगा सकते हैं, मतलब ये मान लो टेरेस के ऊपर भी लगा सकते हैं। अच्छा, टेरेस के ऊपर लगा के उसमें शिप रखना पड़ता है। थोड़ा सा दिखा सकते हैं अंदर शिप हमें आप, मतलब आपने ये कब डाला इसके अंदर वाला सिस्टम? 1 साल हो गया। अच्छा, इसको 1 साल हो चुका है। 1 साल से ज्यादा हो गया। इसमें से हार्वेस्टिंग भी किए हमने। हार्वेस्टिंग भी किया है। हार्वेस्टिंग, हाँ, जो पीछे से डाले थे उसको रखता है, मतलब मैं जब सेल इसमें डाला था सर्जरी करके, और आगे पीछे डाले थे। अच्छा, आगे पीछे डाले, तो वो भी हम देखने वाले आगे चल के। आपने निकाला मटेरियल जो निकाला है, और ये आगे पीछे जो पीछे रहे वो हमने इसमें रख दिए। जितना ज्यादा नेकर चढ़ेगा उसमें, जितना ज्यादा लस्टर चढ़ेगा, तो उसका उतना रेट भी बढ़ सकता है, और दिखने में क्वालिटी, जितना टाइम रखेंगे उतना रेट अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो आपने ये शिप कहाँ से लाई है, कौन सी लाई है? ये सेल हम कलकत्ता, चेन्नई, इधर से हम लेके आते हैं। अच्छा। नहीं तो हमारे जो घर के पास जो नदी वगैरह तालाब होता है, उस रिवर में भी ये सेल मिल जाती है। तो ये सेल के लिए आपने अंदर पानी क्यों लगाया है? वो ऑक्सीजन के लिए लगाते हैं, ऑक्सीजन। अच्छा। हाँ, सेल को ऑक्सीजन देना पड़ता है। ऑक्सीजन कैसे होता है, जो बबल स्टोन होते हैं उसे भी हम दे सकते हैं ऑक्सीजन। मतलब अभी क्या है कि ये सेल आपका नदी से आया हुआ है? हाँ, नदी से, कलकत्ता से आया है। कलकत्ता से आया है। ये कौन से प्रजाति का है? एक कोरानियस और मार्जिनियस का। अच्छा, कोरानियस और मार्जिनियस, दो ही इंडियन पाए जाते हैं। और हमारे इधर नदी का भी सेल है इसमें। आपने खुद निकाला? हाँ, मैंने खुद ही निकाला था। हमारी नदी, ये सेल जो आता है ये कितने रुपए का आता है? 9 रुपीज में एक बताया। इसका रेट कैसे ऊपर नीचे, कभी 9 रुपीज होता है, कभी 8 रुपीज होता है, कभी 7 रुपीज होता है। मतलब अभी इसमें हमने कुछ इंसर्ट नहीं किया है? नहीं किया, ऐसे प्लेन रखे हुए इसको। तो दोस्तों, पहले क्या होता है कि शेल आता है तो यहाँ पे आके रखा गया है। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है इसमें? 2000 है। और इसमें? 3000 है। बाप रे, 5000 शेल है इसमें? 5000 शेल है। इसको टेक्निकली पूरा करना पड़ता है, इसका अभी PH TDS पानी का चेक करना पड़ेगा। हमारा, मेरा PH 7 है, TDS 250 है इसका। अच्छा, लेकिन आपने इस वातावरण में इसको शूट किया? उधर से लेके आने का, उधर से जब सेल आते हैं हमारे पास, आने के बाद इसे हमें 10 दिन रखना पड़ता है इसे। अच्छा। 10 दिन क्यों रखना पड़ता है कि इस पानी में इनको सेट करना है। सेट करना पड़ता है। ओके। 10 दिन के बाद ये सेट होने के बाद इनके सर्जरी करने के लिए। तो इनको आप इस टाइम पे क्या खाना देते कि वो जिंदा रह पाए यहाँ पे? इसमें हम ग्रीन एल्गी देते हैं, स्पिरुलिना भी डालते हैं। इसमें डाला है आपने? हाँ, खाना डाले, वो जब खाना खाते है ऐसा फ्रेश पानी दिखता है पूरा। अच्छा, जब स्पिरुलिना इस पे ऊपर डालते हैं तो पानी ग्रीन हो जाता। अच्छा, है इसमें की कुछ शिप आप हमें दिखा सकते हैं निकाल के? थोड़ा सा दिखाइए कैसा। हाँ। है जो नया नया आया है, ये कलकत्ता से दोस्तों देखिए आया है। कौन कलकत्ता से है कमेंट करके बताइए हमें। ये देखिए, ये कौन सा है? कोरानियस। हाँ, कोरा, ये दोनों भी कोरानियस है। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये कोरानियस है और ये इंडिया की शिप है, बाहर से नहीं आई। और इंडिया में जो है इस क्वालिटी का जो है मोती बनता है। ये भी अभी आपको हम दिखाने वाले कैसे बनता है, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये ट्रेनिंग हॉल है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूरा सेटअप लगा दिया है। यहाँ पे मेन पार्ट होने वाला है सर्जरी। सर्जरी यानी कि ये जो शिप है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये शिप को यहाँ पे रखा गया है। इसके अंदर क्या है कि इंसर्ट किया जाता है। तो ये देखिए, इसके पैर हैं ये शिप के। अगर मैं हाथ लगाता हूँ शायद ये पैर अंदर जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए। तो अब सर्जरी कैसे होती है वो देखिए, और सर्जरी के अंदर क्या डाला जाता है। मयूर जी, हमें दिखाइए आप। सबसे पहले सेल है, इनको ऊपर मुंह करके रखना पड़ता है। ये क्यों ऐसे रखना क्यों पड़ता है? क्योंकि कैसे, तो ये जब ये सेल होती है ऐसे रखेंगे तो मुंह कभी भी नहीं खोलेगी, मुंह नहीं खोलेगी। हाँ, और इनको इतना ज्यादा सेंस होता है कि टच करो कि वो अंदर जाके बैठ गए। जैसे अभी अंदर खींच लिया पैर, अभी इसको सर्जरी करेंगे, इसका मुंह खोलने का प्रयास करेंगे तो मुंह नहीं खुलेगी। ये मुंह नहीं खुल पाएगा, अभी नहीं खुलेगी, कभी भी नहीं खुलेगी। चलिए अब हम सर्जरी करते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है आगे? ये पिलास लेना है। ये प्लायर है। अच्छा, सर्कली प्लायर बोलते है इसको। इसको ऐसे सेल को ऐसे पकड़ने का इधर से। अच्छा, खड़ा पकड़ने का पहले, और इसके दूसरे इधर लेके आने का, और इसको घुमाने का। सीधा सीधा करने है, टेढ़ा किया तो इसका कवच टूट जाता है। अच्छा अच्छा, सीधा करने का और इसको प्रेस करने का। इसके अंदर जीव जिंदा है। हाँ, और जो इसका कैसे होता है, जो जब मुंह खोलते हैं उसका मुंह 10 mm तक ही खुलना चाहिए। उसके ऊपर खोल गया तो इसका साइड का जो मसल से दिखता है, इधर से दिख रहा है। हाँ, ये मसल से कट हो जाएगा, कट होने के बाद सेल डेड हो जाएगा। अच्छा,
इसलिए हमें इसको 10 mm का इसका स्लॉट करके रख दिया, लकड़ी लकड़ी बना के रखा है, इसके अंदर ऐसे डाल के रखने का, ये सेट हो गया। हाँ, सेट हो गया। और कितना समय हमें चाहिए कि फटाक से करना चाहिए? 1 मिनट में करना चाहिए इसका सेट। अच्छा, स्पीड से 1 मिनट के अंदर करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। अभी हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं? ये राधा कृष्ण का मूर्ति है। अच्छा, ये इसका वही उस टाइप का ही मोती बन जाएगा बाद में। एक राधा कृष्ण का है, एक हार्ट, ये किस चीज का है? एक कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ये इंसर्ट करना पड़ता है। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कर दीजिए इंसर्ट। इसका मुंह खोल दिया है। अब क्या करेंगे आप, कैमरा के साइड में दिखाइए थोड़ा। इसके मेंटल के ऊपर का है ना, कट करना पड़ेगा बॉडी। अच्छा, ये मांस आपने ऊपर किया, वो कट करने के बाद उसको अंदर डाल दिया, इंसर्ट करने का, अंदर तक ढकेल दिया, ढकेलने का। एक में कितना डालना है? एक में दो। अच्छा, एक में दो डालना है, एक इस साइड और। अच्छा, इसको हल्का सा आपने उठा लिया और उसके अंदर डाल दिया। ओ, बहुत शानदार। ये देखिए दोस्तों, सर्जरी यहाँ पे हो गई। और इसके बाद क्या करना है, वो लकड़ी निकाल लेना है। हाँ, और इसको ऐसे ही छोड़ देना है। हो गया ये काम? हो गया, इसका काम हो गया। बाद में सर्जरी करने के बाद उनको प्रिपेयर करना पड़ना है सर्जरी के लिए, एंटीबायोटिक देने का, ऑक्सीजन चालू रखने का, और 5 दिन के लिए इसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। मतलब एक आदमी एक दिन में कितना सेल का सर्जरी कर सकता है मैक्सिमम? आप कितना करते हैं? जो नया बंदा हो ये एक तो 100 तक करेगा, 100 या 150 तक करेगा, 100-150 बस। तो यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं, ये पूरे के पूरे शेल रखे गए हैं और ये यहाँ पे मोती बन चुके हैं। एक साल बाद इसको फाइन फिनिश किया, लेकिन रॉ मोती कैसे निकलता है तो ये देखिए यहाँ पे। ये रॉ मोती होता है, ये रॉ मोती जब होता है जब इसको सेल को चिपक जाता है, एक साल के बाद मान लो ये क्रिएट हो गया है। हाँ, क्रिएट होने के बाद हम आपने खोल दिया, आपने ऐसे है मान लो ये पैक, आपने इसको खोल दिया। हाँ, इसको खोल दिया, खोलने के बाद ऐसे रहेगा, अंदर मोती होते है ऐसे। ये हमने इंसर्ट किया है, इंसर्ट करने के बाद एक साल बाद ये ऐसे तैयार हो गया। हाँ, इसके ऊपर ये फाइन नेकर, हाँ, जो ऐसे कैल्शियम की बॉडी होती है व्हाइट। हाँ, जो ये बॉडी होती है इसपे जो शेल होती है वो उसको कवर कर देते हैं और वो मोती बन जाता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का लेकर छोड़ देते हैं, उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाता है, ऐसे इसपे ऊपर चढ़ जाएगा। ये गोल वाला है? हाँ, ये गोल वाला। इसके अंदर भी ये गोल वाला है, मतलब ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, और हम बाद में कैसे करते हैं, जो व्यापारी होते हैं मान लो बाहर की ज्वेलरी वाले होते हैं, वो लेके जाते हैं और लेने के बाद कटिंग पॉलिशिंग फिनिशिंग करने के बाद ऐसा मोती बन जाता है, पूरा मोती बनता है। हाँ, उसके बाद ये देखिए ये ऐसे माला बनता है, बन जाते हैं इसके। तो ये बहुत महंगा बनता है। ये मोती कीमत क्या है अभी? मतलब ये मोती जो क्रिएट होने के बाद हम इधर तक नॉर्मली 700-800 तक हम देते है, जो कैरेट पे जो इसका वेट किया तो ये 6 कैरेट का मोती है। अभी 6.5 मतलब 6.5 कैरेट का ये पर ले अभी मोती 6.5 कैरेट का है। तो दोस्तों ये तो हो गया सर्जरी। सर्जरी में बस हमने यहाँ पे इसको खोला, इस चीज से इस चीज स्पेस किया, यहाँ से इसको पकड़ के जो है मोती को इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद इसको शिप को जो है 1-1.5 साल तक पानी में रखा। रखने के बाद ये रॉ मटेरियल तैयार हो गया। ये रॉ मटेरियल भी आप बेच सकते हैं या इसको फाइन फिनिशिंग करके आप ऐसा मोती भी बेच सकते हैं। ये महंगा बिकता है, ये सस्ता बिकता है। अब मुझे ये बताइए, हम जो ये मोती तैयार करते हैं, ये मोती तैयार करने में हमारा खर्चा कितना होता है और कम से कम जगह में फार्मर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे करता है, ये थोड़ा सा बताइए। जब जो सेल होता है वो सेल हमें 9-10 रुपए में एक सेल मिल जाता है इसका, बराबर। हाँ, 25 रुपए हमें खर्चा हो जाता है सर्जरी तक का। सर्जरी तक का 25 रुपए खर्चा जाता है। जब 25 रुपए खर्चा हो गया तो मान लो एक सेल में 2 मोती क्रिएट होते है, राइट। एक 2 मोती क्रिएट होने के बाद एक का रेट हमने 100 या 150 रुपए से पकड़ा तो एक सेल का हमें 300 रुपए मिल जाता है। 25 रुपए हमें केवल इन्वेस्टमेंट होगा और 300 रुपए तक मिलेगा, एक सेल का 300 रुपए तक आ जाएगा। और कैसे होता है, ग्रेड के ऊपर उसका रेट डिपेंड होता है। मान लो जो सेल जब जो कौन से ग्रेड का, A++ का बनाया, A बनाया, B बनाया, ये कौन से ग्रेड का? A ग्रेड की मोती है, जो क्वालिटी और जो फिनिशिंग आता है। तो फिनिशिंग के बाद क्या रुपए में फिनिशिंग फिनिशिंग के बाद ये 700-800 तक जाता है, रॉ 150 तक जाता है। हाँ, एक मोती 100 के ऊपर कितना भी जाता है, मतलब मान लो 100 के उसका ग्रेड के ऊपर रेट डिपेंड करता है। मतलब 100 के ऊपर कितना भी हो, मान लो 150 जाएगा, 200 तक जाएगा, 250 तक जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रॉ उतने तक जाता है। और यहाँ पे जो ये टैंक है, ये एक टैंक में कितना मोती डाला है आपने यहाँ पे? मतलब एक टैंक में 3000 सेल बैठ जाते हैं। ऐसे सेल जो है 3000 सेल बैठते हैं इसमें से, ऐसे 3000 सेल इसमें बैठ जाते हैं। और 3000 में हमारी मोर्टेलिटी लेके कितना बचता है?
3000 इसमें सेल छोड़ दिया है तो उसमें 500 मोर्टेलिटी पकड़ लिए, 2500 बचेगा। 2500 और 2500 कितना दिन तक रखना है? साल डेढ़ साल तक रखना है, डेढ़ साल। जितना साल रखेंगे उतना अच्छा हमें क्वालिटी आएगा, कोटिंग आएगा उसका। कैसे होता है, एक साल में क्रिएट हो जाता है, 7-8 महीने के बाद क्रिएट होता है, लेकिन जितना लस्टर अच्छा चढ़ेगा उतना रेट भी अच्छा मिलेगा और मोती का अगर क्वालिटी भी अच्छा। मान लीजिए 2500 सेल्स बचा तो 2500 में हमें 3000 मोती मिलेगा। नहीं, 2500 में 5000 मोती क्रिएट, एक में दो, राइट, बराबर एक में दो होता है, 5000 मोती क्रिएट हो जाएगा। 5000 जब मोती क्रिएट होते हैं, मान लो 100 रुपए से भी इसको पकड़ लो रॉ मोती, 5 लाख रुपए हो तो 5 लाख रुपए एक टंकी से हमें मिल जाएंगे इसके, 100 रुपए से भी पकड़ा। खर्चा बिर्चा मान लीजिए सारा निकाल दो, 2 लाख तो 3 लाख कम से कम बच जाएगा। इसमें से 3000 में से 1500 डेढ़ भी हो गया तब भी हमें प्रॉफिट मिल जाता है, नुकसान तो नहीं है, नुकसान तो कोई कीमत पे नुकसान नहीं, कोई कीमत पे नहीं। और कोई भी इसको बना लेगा मेहनत से अपने, लेकिन इसको बेचना कैसे है? इसके कैसे होते हैं, जब हम रॉ मोती निकालते हैं इसमें से, जब रॉ मोती होता है हम रॉ ऐसे ही भेजते हैं इसके जयपुर, हैदराबाद, सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, इधर इसके व्यापारी होते हैं इसके मोती। अच्छा, ये मोती रॉ डायरेक्ट हम इसको बेच सकते हैं, हम ऐसे ही रॉ उनको भेज देते हैं। रॉ बेचने से फायदा क्या होता है, हमें जब जितना डाला है उतना उसके डबल टेबल इनका इनकम मिल जाता है, लेकिन ऐसा कटिंग पॉलिशिंग करेंगे तो ये भी बेच जाए। इसका कैसा होता है, खर्चा हमें ज्यादा होता है, जो किसान भाई लोग कटिंग पॉलिशिंग नहीं कर सकते उसको मशीनरी अलग से बिठाना पड़ेगा। बेचने के लिए आगे व्यापारी मिल जाएंगे क्या? हाँ, इसके व्यापारी तो होते हर जगह। इसका कैसे होता है, हमारे इंडिया में प्रोडक्शन कम है, बाहर से मतलब जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इधर से मोती इम्पोर्ट करता है, तो हमारे किसान भाई लोगों ने ये सब पूरा करना चाहिए। और सरकार से कोई स्कीम वगैरह है? सरकार से हमें अनुदान मिल जाता है इसका, जो फिशरी डिपार्टमेंट होता है हर डिस्ट्रिक्ट पे फिशरी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद हमें उसका अनुदान मिल सकता है। बहुत बढ़िया। और हमें ये बताइए, इसका ट्रेनिंग लेना जरूरी है? हाँ, इसका ट्रेनिंग लेना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब ट्रेनिंग ले लिए, अभी मान लो अभी आपने ये वीडियो देख लिया, उसमें सर्जरी दिखाई, आप घर में जाके ऐसे करेंगे, वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टेक्निकली है। तो वो ट्रेनिंग आप देते हैं? हाँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, एवरी सैटरडे संडे मेरा ट्रेनिंग होता है इधर। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मयूर जी ने पूरा एक हॉल बनाया, बाहर डेमो है इनका खुद का, ये भी है, और बहुत सारे यहाँ पे शिप है, एक टाइम पे 5-5 हज़ार आप शिप सेल्स जो है ये देख सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इनसे तो आप ट्रेनिंग ले लीजिए। मैं नीचे नंबर और इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूरा डाल दे रहा हूँ, ईमेल आईडी वगैरह, तो आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपने हमें पर्ल फार्मिंग के बारे में पूरी आँखें खोल दी और पूरा का पूरा चिट्ठा हमें बता दिया इसके बारे में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना फ्री में है, ये जानकारी भी पूरी फ्री में, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।